अरे मोदी चाचा, अब तो आप जेल चले जाओगे। अब तो मैं तो भाई चुनाव ऐसे ही जीत जाऊंगा। हमें तो कोई रैली वैली अब तो निकालना ही नहीं पड़ेगा। बहुत साल पहले हमने बहुत सारी रैली निकाली थी, लेकिन अब तो रैली निकालना बिल्कुल बंद कर दूंगा मैं। और आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जेल चले जाओगे और चुनाव मैं जीत जाऊंगा और मैं बनूंगा PM। और हमारे साथ अखिलेश और केजरीवाल बहुत सारे लोग हैं जिनका मैं अच्छे अच्छे प्रोफेशन में पहुंचा दूंगा। और योगी बाबा, आप मछली मारना बिल्कुल बंद कर दो, आपको भी जेल जाना है। मोदी और योगी जी का उसमें नाम आ गया है कि चोर घोटाले में आप लोग को जेल जाना पड़ेगा। अरे राहुल भाई, हल्के में मत लो, मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ और मैं ऐसे नहीं PM बना हूँ। मैं चाय बेच बेच कर PM बन गया हूँ। इसका मतलब आपको पता है, मैं बहुत लोगों से मिला हूँ। और अगर आप हमें जेल भिजवा दोगे ना, तो फिर मैं आपका पत्ता ही सोफला साफ कर दूंगा। और हमारे योगी बुलडोजर बाबा को तो आप अच्छी तरीके से जानते ही हो, कितने अच्छे और कितने खतरनाक आदमी है। इनकी बुलडोजर ही बहुत ही बड़ा काफी है। और ऐसा मैं करता हूँ कि राहुल भाई, आधा आप ले लो वोट, आधा मैं ले लूँ और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पूरा माफ करवा लेते हैं। अगर मैं चुनाव इस बार नहीं जीता तो जान लो बहुत ही बड़ा खतरा हो सकता है। अरे मोदी जी, कितना भी खतरा हो जाए, मैं सारे खतरे को पार करके पहुंच जाऊंगा भाई। इस बार तो मैं चुनाव जीत कर ही रहूंगा, क्योंकि मैंने 20 साल 25 साल PM था। इस बार भी मैं PM बनने का बहुत ही कोशिश कर लिया हूं। और सारी देशवासियों से हमारा यही कहना है कि इस बार कमल को वोट ना दिया जाए। और योगी बाबा, आप यार मछली मार रहे हो, हमको बहुत ही बुरा गुस्सा लग रहा है, आप जाओ घर जाओ। अरे राहुल भैया, भैया, अरे हम तो बहुत कम सुनते हैं आजकल। जब से CM की कुर्सी हमें 10 साल चलाते हो गई, हमने बहुत सारी कामें किया और ऐसा कभी भी ना हुआ कि जो ये पेपर क्लिक होने के कारण ना, राहुल भाई हमारी बहुत ही ज्यादा बेइज्जती भी हो रही है। और लग रहा है कि इस बार हम चुनाव हारने में बहुत ही संभव रहेंगे। अरे योगी बाबा, आप बिल्कुल टेंशन ना लो, इस बार आप लोग चुनाव हार ही जाओगे, क्योंकि आप लोग का जो वोट है वो मैं ले लिया हूँ और मैं बहुत सारे पैसे भी दे चुका हूँ। बाकी रही सवाल मोदी जी की, तो मैं मोदी जी से समझ लूंगा। मोदी जी आधे आधे पैसे ले लेंगे और हम लोग इस बार चुनाव जीत जाने दो। आप तो यार हर बार जीतते ही हो। अरे राहुल, ऐसा नहीं होगा, अगर मैं PM नहीं बनूंगा तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो सकता है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि इस बार आप चुनाव ना जीतो, अगली बार जीत जाना तो आपका बहुत ही भला होगा। और हमारे बुलडोजर बाबा का नाम थोड़ा और ज्यादा हो जाएगा तो लग रहा है कि आने वाले समय में हमारे बुलडोजर बाबा PM हो सकते हैं। क्यों योगी बाबा, अगर आपको PM बना दिया जाए तो आप क्या करना चाह रहे हो? मोदी जी, तो अभी मैं मशहूर हूँ चोर और डाकुओं से, अब तो मशहूर हो जाऊंगा पूरे बुलडोजर से। जो मेरे घर और आसपास चोरी करेगा या फिर कुछ भी करेगा, मैं उसे सीधा बुलडोजर से उड़वा दूंगा। और मैं आने वाले कुछ ही समय में PM बन सकता हूँ, ये मेरा पूरा भविष्य बता रही है। और मैं बहुत ही बड़ा वादा करके आया हूँ। राहुल भाई, आप तो 10-20 साल अब PM नहीं बन पाओगे, क्योंकि अब हमारी BJP का ही राज होगा। अरे योगी बुलडोजर बाबा, मैं सब बात को आपकी समझ रहा हूँ, लेकिन ऐसा ना हो तो अच्छा ही है। हमें जीत जाने दो भाई, नहीं तो आप लोग के सुप्रीम के आदेश से आपको जेल जाना ही पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है वो पेपर जो आपका क्लिक हो चुका है, इसके लिए आप लोगों को जेल जाना पड़ेगा।